तो यहाँ पे महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के गांव में हम आए हुए हैं। गाइस देख सकते हैं अभी हम MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी, जो बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी है, काफ़ी दिनों से स्ट्रगल करते हैं और अभी हम आ गए हैं इनके घर पे और यहाँ पे इनके सारे फैमिली से बातें करेंगे और इनका जो लाइफ स्टाइल है और इनका घर है आप लोग लाइव देख सकते हैं। एक बार घर का जो है पूरा दिखा दीजिए इनके घर के, जो कि MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी के रोशन कुमार विश्वजीत सहनी। और तो यहाँ पे महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं और इन सब से हम जानेंगे कि ये कितने दिनों से जो है काम कर रहा है। यहाँ पे आंटी जी सब आई हुई है और आंटी जी, आप MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी जो चला रहे हैं वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2018 से चला रहा है। 2018 से? और आप क्या कहना चाहेंगे इनके, जो वो नहीं कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? उसका फायदा नहीं आ रहा है, मेहनत तक बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, आंटी जी का कहना है कि काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा है और इधर दिखा दीजिए एक बार ग्रामीण लोग भी कितने जो आए हुए हैं। सभी का जो है मन कि ये चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो सबका मन है कि जल्द से जल्द चैनल ग्रो हो जाए और आप लोग सपोर्ट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये चैनल जो है ग्रो नहीं होगा। तो आप लोग से यही निवेदन करूँगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और चलिए यहाँ पर देख लिए हैं इनके ग्रामीण लोग हैं और घर की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। इनके घर पे हम आए हुए हैं और इनके घर की जो स्थिति है वो दिखाएंगे। बहुत ही गरीबी हालात से जो है ये स्ट्रगल कर रहा है और ये काफ़ी दिनों से जो है MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी में काम कर रहा है और इनके सारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे बातें करेंगे। और चलिए इनके घर के अंदर की जो सिचुएशन है वो पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। आइए देख सकते हैं इनके घर के सिचुएशन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जो है इनके बहुत ही गरीबी स्थिति से जो है ये गुजर रहा है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो गांव में इनके घर है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक किस इनके घर पे छत का भी जो है कोई ये नहीं है, ना ईटा है, देख सकते हैं टट्टी है, फूस है, जो कि काफ़ी पहले लोगों के पास ये घर रहते थे लेकिन अभी 90% लोगों के पास जो है घर छत का बन चुका है। और इनका घर देख सकते हैं जो अभी देख सकते हैं पूरा बांस का और इधर एल्बेस्टर देख सकते हैं और इधर देख सकते हैं इनके घर के जो हालात है। और ये है MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी के विश्वजीत, जो कि ये पूरे म्यूजिक के मेन ओनर है और इनसे हम अभी बातें करेंगे और ये कितने दिनों से MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी में जो है जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, सारे बातें हम अभी इनसे करेंगे। तो सर ये बताइए, आप MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी का सबसे जो मेन ओनर है आप ही है? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, जितने इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं इधर कैमरा में देख के बताइए, सभी को दिल से धन्यवाद। और यही कहना चाहूँगा हम, जो आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया पर 2013 से काम कर रहे हैं और 2018 में हम यूट्यूब चैनल पर आप काम करना स्टार्ट किए, जो बहुत अच्छा ही रिस्पांस हम लोगों को मिला एक साल के अंतराल में। और उसके बाद रिस्पांस तो अच्छा अभी भी मिल रहा है, जो रोशन कुमार का अभी भी गाना जो इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम पे ये बताइए, आप ये बताइए जो MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी आप म्यूजिक का जो है शुरुआती कब से किया है, 2000 कितने से ईस्वी से? 2018 ईस्वी से किया, 2018 से देख सकते हैं ये MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी का जो अथी चलाते हैं ग्रुप, ये बहुत काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और इनकी वीडियोज आप देख सकते हैं MRS म्यूजिक बसाइट कंपनी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो है ये चैनल आ जाएगा। तो ये बताइए आपने जो है अभी तक अपने चैनल पे कितने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं? 2000 प्लस सॉन्ग पे काम कर चुके हुए हैं अपने कंपनी से और रह गया जो मेरे चैनल पे है 1400 प्लस कंटेंट चढ़ चुका हुआ है। 1400 प्लस कंटेंट चढ़ चुका है जी। और सब्सक्राइबर कितने हुए हैं अभी आप? सब्सक्राइबर 28,200। तो देख सकते हैं दोस्तों इनकी गरीबी हालात बहुत ही सिचुएशन गड़बड़ है और ये काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं और इनका जो है यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और आपके जो
पापा मम्मी है वो कहाँ है, उनसे भी आप बात करा दीजिए। जी पापा है और चाचा है, चाची है और अगल बगल के लोग भी हैं, उन सबसे भी पूछ लीजिए जो हम लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं। इसे तो लग जाता होगा जी फेंक भी मार रहा है, लेकिन पूछ लीजिए अगल बगल के लोग सब भी पूछ लीजिए क्या कितना दिन। इधर देख लीजिए, इधर इनके गाँव के लोग सब है, कुछ इन सबसे हम भी जानेंगे कि ये कितने दिन से ये कंपनी में काम कर रहे हैं। गाने की जो शुरुआत 2018 से, तो इनके जो मेहनत किए इतने कर रहे हैं, और इनको क्या कहना चाहेंगे आप? इनको सबके पैसा ऊपर में बढ़ाइए, आप अति करिए, ये तो लोग के विचार है, गरीबी रेखा है, पब्लिक सपोर्ट वो है लेना, लोग अपन बिजनेस खोलिया तो हमरा दो पैसा हो है लेना, प्राइवेट न करे है तो कथी जानते, गरीब के गरीबे है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से म्यूजिक पे काम कर रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इनके घर के हालात आप लोग देख ही लिए कि कैसा है। और देखिए, जो लोग गरीबी से गुजरते हैं उनको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, जितने भी MRS म्यूजिक सोसाइटी कंपनी का सब्सक्राइबर लोग हैं और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, वो आप लोग सपोर्ट कीजिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा। और चलिए अभी हम आपको इनके पापा से बात कराएंगे, देखते हैं यहाँ पे इनके पिताजी आए बैठे हुए हैं, और चलिए अभी हम इनसे बातें करेंगे कि इनके अपने लड़के के बारे में क्या कहते हैं और कितना स्ट्रगल करते हैं। इनके पापा से भी हम जानकारी लेंगे। तो ये है रोशन कुमार का पिताजी, जो कि MRS म्यूजिक वेबसाइट कंपनी के ओनर है। और आप ये बताइए, आपके जो लड़के हैं वो कितने हैं जो MRS म्यूजिक वेबसाइट कंपनी में काम कर रहे हैं, और कितने दिनों से काम कर रहे हैं, और अभी तक आपको पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं? एक भी रुपये कमा कर वो तो काम जो है 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक भी पैसे हमको नहीं दिए, खर्चते ही हम जो सुमल गुजारी देते चले आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास में कोई आमदनी नहीं है, कोई आमदनी स्रोत नहीं मिल रहा है, इसलिए करके हम यहाँ पर वंचित पड़े हुए हैं। आप इनको यानी कि अभी तक जो म्यूजिक में काम कर रहे हैं, जितना भी खर्चा होता है गाना बनाने में, गाना शूटिंग करने में, सारा पैसा आप ही देते हैं? सारा पैसा ही यहीं से ही मेंटेन होता है, घर से ही मेंटेन होता है, और कहीं से नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इनके पापा जो है घर से ही सारा खर्चा देते हैं, जितने भी गाने बनाने से लेकर के शूटिंग करने तक का खर्चा होता है सारा इनके पापा देते हैं, और अभी तक इनके YouTube चैनल से एक भी रुपए की इनकम नहीं हुआ है। अभी तक कोई पैसे का इनकम हुआ है कि नहीं? नहीं, नहीं, अभी तक एक पैसे का भी इनकम नहीं हुआ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इनके पापा का कहना है कि अभी तक कोई रुपए का इनकम नहीं हुआ है। तो आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि MRS म्यूजिक बसेट कंपनी का जो चैनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये बताइए, आपके लड़के जो है वो कितने मेहनत कर रहा है और कितने दिनों से मेहनत कर रहा है? मेहनत तो बहुत जोर शोर लगाए हुआ है, लेकिन 10-12 साल से मेहनत में लगे हुआ है। अच्छा, तीनों का नाम बता दीजिए। और तीनों का नाम, सबसे बड़े हैं विश्वजीत, विश्वजीत सहनी, हाँ, उसके बाद जो है सो संजीत सहनी, उसके बाद जो है तो ये रोशन और उकील चारों लगे हुए हैं। एक और है छोटू, छोटू करके वही उकील जो है। अच्छा, उनका नाम छोटू से प्रसिद्ध है। अच्छा, तो छोटू ही रखिए, वही छोटू ही है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इनका सभी लड़के का नाम आपने जान लिए, और तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। काफी दिनों से जो है मेहनत कर रहे हैं, देख सकते हैं इनके पापा का भी काफी दिनों से सपना है कि हमारा बेटा आज नहीं तो कल सक्सेस हो। तो ये आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जब तक इनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक देखिए, हर किसी के सफलता के नीचे किसी न किसी का राज होता है, तो इनके सफलता का राज आप लोग हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तभी होगा। देखिए, वैसे कोई सपोर्ट नहीं होता है ना अंकल? हाँ, वैसे कौन सपोर्ट होता है? आप जो आपके लड़के का जो गाना देखते हैं, उन ऑडियंस को जो वीडियोज देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको वही कहना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट जो कम से कम आगे के वो